नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि प्याज के पकौड़े कैसे बनाए। बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल होटल में जैसे बनता है ठीक वैसे ही आपको बनाने के लिए मैं आपको जरूरी टिप्स भी दूंगा इसमें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है सब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हमें तलने के लिए तेल चाहिए, तो तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पहले तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेसन तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल, जिसमें आप तल रहे हैं वो ले लीजिए। सोडा आप जितना कम डालें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप घर के लिए बना रहे हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हो चुका है, इतना चाहिए हमें। बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, प्याज के पकौड़ा बनाना, उसके लिए हमें प्याज चाहिए। तो तीन बड़े प्याज लिए हमने, तो अब हम इसको काट के अच्छे से छील लेंगे। इस तरह से छील लेंगे हम। अब हम इसे काटेंगे, तो काटना हमें खड़ा है, तो थोड़ा सा मोटा टाइप काटना है। देखिए जिस तरह से, इस तरह बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इसके लिए जो भी आप पेस्ट बनाए थोड़ा मोटा बनाए, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो दोस्तों, ये प्याज कट चुका और तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, तो प्याज को हम जो है अपने इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो इसमें जो है चाट मसाला डाल सकते हैं, वरना ये ऐसे ही खाने में बड़े अच्छे लगते हैं प्याज के पकौड़े। अब हम इसको अच्छे से, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइट वो होना है, क्योंकि प्याज जो है अपने आप पानी छोड़ेगा, तो इसीलिए जो है आपको इस तरह से बिल्कुल टाइट होना चाहिए और इसको अच्छे से मसलते रहना थोड़ा देर इस तरह से। ताकि प्याज बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्याज बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अब मैं जो है इसको, मेरा कढ़ाई में तेल जो है एकदम गर्म है, तो मैं डालूंगा इसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालना है इस तरह से। अब हम आंच कम कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ये लाल हो जाता है। ये हमारा प्याज का पकौड़ा है दोस्तों।
अब हम निकाल लेंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप बिल्कुल सीख गए हैं। अब इसी तरह से मैं सब निकालूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कांदे का भजिया बनाएं, प्याज का भजिया बनाएं और खाएं। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।